डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आप सभी का वेलकम किया जाता है हमारे इस वाले वीडियो लेक्चर में विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, टुडेस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। If A and B are -2, -2 and -4 respectively, find the coordinates of P such that AB is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। बेटा कुल मिला के हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है जो पॉइंट A और पॉइंट B को जोड़ के हमें मिली है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स -2, -2 है और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स बेटा -2, -4 है। मैंने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 से सिंबलाइज किया है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 से सिंबलाइज किया है। फिर उसके बाद में बताया गया है इसी लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में ही कहीं पे बेटा एक पॉइंट दिया गया पी, सच दैट ए से पी तक जब हम डिस्टेंस नापते हैं फिर उस डिस्टेंस को फिर इस लेंथ को बेटा कंपेयर करते हैं विद द होल लेंथ ऑफ ए बी, वो कितनी आ रही है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या, अगर कुल मिला के लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ को हम होल मान के चलेंगे जिसकी लेंथ को फिर 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, फिर इसकी होल लेंथ को बेटा बराबर 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से ए से पी तक बेटा उसके 3 पार्ट्स की लेंथ हो रही मिल रही है हमें और पी से बी तक उसके बाकी के रिमेनिंग 4 पार्ट्स रहेंगे। बेटा अगर हमें इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करना है बराबर 7 इक्वल पार्ट्स में, बेटा हमें इन 7 से बेटा 8 कम पॉइंट्स इसके ऊपर लेने पड़ेंगे विच शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को बराबर 7 पार्ट्स में बेटा बांटने के लिए हमें इसके ऊपर बेटा जी लेने पड़ेंगे 6 पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अब देखिए बेटा 7 पार्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, 7 पार्ट यहां से यहां तक, एक पार्ट यहां से यहां तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और 7। अब जो ये पॉइंट पी होगा बेटा ये ऐसा है कि ए से पी तक इसके 3 पार्ट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं और पी से बी तक कितने पार्ट्स रिप्रेजेंट हो गए बेटा, रिमेनिंग 4 पार्ट्स। देयरफॉर ये जो पॉइंट पी होगा बेटा ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 क्यों, बिकॉज पॉइंट पी ऐसा है कि जब कंपेयर करेंगे इसकी लेंथ को ए बी की लेंथ के साथ तो ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, इसका मतलब ए बी के हमें बराबर 7 इक्वल पार्ट्स करने, ए से पी तक इसके 3 पार्ट्स आएंगे और पी से बी तक रिमेनिंग 7-3 यानी कि 4 पार्ट्स आएंगे। ये तो हो गया कि पी कैसे डिवाइड करेगा ए बी को बेटा इन द रेशो ऑफ 3:4, बिल्कुल रेशो 3:4 होगा, 3:4 ही होगा m1:m2। लेकिन बेटा हम इसको मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं इस रेशो को, बेटा कैसे, बेटा कैसे, देख बेटा इस गिवन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, ये जो पी बी है बेटा, कांट आई राइट डाउन पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस, बेटा पी बी की लेंथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए से बी तक जो लेंथ होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए पी, ए पी, तो विच इंप्लाइज दैट पी बी की लेंथ बेटा जी होगी ए बी माइनस बेटा जी 3/7 ऑफ ए बी। इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे बिकॉज यूजिंग फर्स्ट ए पी कितनी है बेटा 3/7 ऑफ ए बी, विच इंप्लाइज दैट पी बी की लेंथ बेटा जी आएगी ये 7 ए बी आएगा, 7 × ab दैट इज 7 ए बी माइनस 3 ab, क्रॉस मल्टीपल ए बी का डिवाइड, ए बी का डिनोमिनेटर 1 होगा, 1 × -3 ab दैट इज -3 ab, 7 × ab दैट इज 7 ab डिवाइड बाई 7 × 1 = 7, वो कितना आएगा, विच इंप्लाइज दैट बेटा पी बी होगा बराबर 7 ab - 3 ab दैट इज 4 ab डिवाइड बाई 7। अब जरा बताइए पॉइंट P तो इसको डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को 2 पार्ट्स में, एक तो PA है दूसरा है PB, यानी कि AP और PB में पॉइंट P डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इन 2 पार्ट्स, 1 इज AP और दूसरा पार्ट क्या है बेटा PB। और हम ये रेशो कैलकुलेट करेंगे, यही तो वो रेशो है ना m1/m2, ठीक है m1/m2 इज इक्वल टू ए से पी तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम डिवाइड करेंगे बेटा पी से बी तक जो डिस्टेंस होगी। अब जरा बताइए ए पी कितना है, सर ए पी तो 3/7 ऑफ ए बी है और डिवाइड बाई पी बी कितनी है वो हमने अभी निकाली, दैट इज 4/7 ऑफ
4 डिवाइड बाई 7 ऑफ ए बी। बेटा जी क्या होगा, विच इंप्लाइज दैट m1 डिवाइड बाई m2 रेशियो किसके बराबर आएगा, 3 डिवाइड बाई 7 ऑफ ए बी, और इसका रेसिप्रोकल होगा ये आएगा बेटा 7 डिवाइड बाई 4 ए बी। ठीक है बेटा, ये 7 1 0 7 1 0 कैंसल, ए बी 1 0 ए बी 1 0 कैंसल, विच इंप्लाइज दैट m1 डिवाइड बाई m2 रेशियो आएगा 3 डिवाइड बाई 4 के बराबर, विच इंप्लाइज दैट जो रेशियो हमें मिलेगा m1:m2 बेटा वो आएगा 3:4, मतलब वही जो मैंने बताया था। इसका मतलब मैथमेटिकली ही यहाँ पे रेशियो निकाली गया। अच्छा, हमें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने हैं एज पर द सेक्शन फार्मूला। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं बेटा सिंबलाइज करूंगा p ऑफ x कॉमा y से। हम क्या लिखेंगे, हियर द गिवन पॉइंट्स आर a ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू दिस, b ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू दिस, लेट p ऑफ x कॉमा y बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी साइज दैट ए पी इज इक्वल टू दिस। उसके बाद में पी भी निकालेंगे, उसके बाद में रेशियो निकालेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वही चीज करने वाले हैं, ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए बेटा आगे जाएंगे अब। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे here the coordinates of the end points of line segment a b beta r। क्या है बेटा, a of x1 comma y1 is equal to a of -2 comma -2, और दूसरा है b of x2 comma y2 is equal to b of beta 2 comma -4। ठीक है, हमें बताना है what about the coordinates of point p such that ap is equal to 3:7 of ab and p is a point lying on the line segment ab। ओके, देखिए बेटा, let p of x comma y be the point on AB such that AP beta कितना दिया गया है, given AP is equal to 3 divided by 7 of AB। ये equation first हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे clearly ये जो बेटा PB remaining length होगी, AP कितना है बेटा, AP है 3 divided by 7 of AB, ये तो given दिया गया है ना, इसको equation first हमने लिखा। PB कितना आएगा, P से B तक डिस्टेंस अभी हमने बताई कि वो आएगी बेटा AB minus AP। ठीक है, which implies that PB distance आएगी बेटा AB ही रखेंगे minus PB, हम 3 divided by 7 of AB इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मैं लिखूंगा using beta first, okay, which implies that PB will be equal to cross multiple, यहां पे divide में 1 होगा बेटा, यहां पे आप आरजी तौर पे डिवाइड में 1 रख सकते हो, 7ab, 7 into ab, that is 7ab, 1 into -3ab, -3ab, divided by 7 ones are, बेटा आएगा 7, which implies that PB will be equal to 7ab -3ab, that is 4ab, 4ab, divided by आएगा बेटा यहां पे 7। ठीक है, तो now the point P, so यहां पे मैं लिखूंगा, so the point P of x comma y divides AB internally in the ratio of m1 divided by m2 is equal to, बेटा m1 कौन सा पार्ट होता है सर, पहला वाला पार्ट, वो कितना आएगा, that is AP, इस पार्ट को डिवाइड करेंगे हम दूसरे वाले पार्ट से, that is PB बेटा, which is equal to बेटा AP कितना है, इसको हम इक्वेशन सेकंड रखेंगे नाम, चलिए यहां पे लिखते हैं, implies that m1 divided by m2 is equal to, what about the value of AP, that is 3 divided by 7 of AB, 3 divided by 7 AB, और इसी को बेटा जी डिवाइड होगा PB से, what about the value of PB, that is 4 divided by 7 of AB। ठीक है,
ये M1 डिवाइड बाय M2 किसके बराबर आएगा, 3 डिवाइड 7 ऑफ AB और 4 डिवाइड 7 ऑफ AB। यहां पे हम लिखेंगे बेटा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, M1 डिवाइड बाय M2 रेशियो मुझे निकालना है, तो आई एम गोइंग टू रैप इट। इसका स्क्रीनशॉट आप उठाइए। चलिए बेटा मैं यहां पे करता हूं, ये यहां पे, ठीक है। व्हिच इंप्लाइज दैट M1 डिवाइड बाय M2 विल बी इक्वल टू, बेटा ये मैं लिखूंगा 3 डिवाइड बाय 7 मल्टीपल बाय AB आएगा, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये 7 डिवाइड बाय 4 AB आएगा, ठीक है। ये आएगा बेटा 7 डिवाइड बाय 4 AB, बिकॉज यहां पे बेटा AB क्या है, न्यूमरेटर में यहां पे 4 के साथ मल्टीपल है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आएगा 7 डिवाइड बाय 4 AB, ठीक है। 7 1s are 7 1s are, AB 1s are AB 1s are, ठीक है। Which implies that M1 divided by M2 बेटा आएगा बराबर, that will be equal to यहाँ पे 3 1 into 1, that is 3 divided by 4 आएगा, which implies that ratio जो हमें मिलेगा M1 is to M2, that is equal to 3 is to 4, मतलब वही ratio जो हमने आपको logically भी बताया था। अच्छा यहां तक हमने बेटा जी क्या किया, हमने रेशो निकाला जिसमें पॉइंट पी डिवाइड करता है हमारे गिवन लाइन सेगमेंट को, ठीक है। इट डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशो ऑफ 3:2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिविजन। वो हमने क्या रखे, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला हम विद इन वन शॉट हम इसको निकालने वाले यहाँ पे, therefore by बेटा सेक्शन फॉर्मूला कॉमा वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी किस किसके बराबर हो गए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट से लिखूंगा पी ऑफ बेटा एक्स कॉमा वाई, देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, पी ऑफ। अब जरा बताए एमसिस ऑफ द पॉइंट इज गिवन बाय द सेक्शन फॉर्मूला, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है सर, M1 x2 + M2 x1 डिवाइड बाई M1 + M2 कामा करके y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, M1 y2 + M2 y1 डिवाइड बाई M1 + M2, यही तो आएगा ना बेटा। मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट P को अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके लिखा, गेटिंग। तो दिस इज करेक्ट, वी कैन राइट डाउन द वी कैन हैव दिस वे ऑल्सो। So P of x comma y implies that P of x comma y will be equal to P of, we are going to plug here the values of M1, M2. What about the value of M1? That is 3. Sir, 3 multiple by x2. What is x2? That's 2. That is 2. x2 beta 2 hai. 2 yahan pe plug karenge. Plus kya aayega? M2. That is 4. You can see from here. M2 is beta 4. Into x1. What about the value of x1? That is -2. -2. Divided by M1 + M2. That is 3 + 4. M1 + M2, 3 + 4. Y coordinate किसके बराबर आएगा? M1, that is 3, multiple by Y2, that is -4, plus आएगा M1 beta, M2 का value कितना है? That is beta 4, multiple by Y1. What about the value of Y1? That is -2, divide by आएगा beta 3 + 4, M1 + M2, that is 3 + 4, which implies that P of x comma y will be equal to, ठीक है? तो वो कितना आएगा बेटा, P of 3 2s are बेटा 6 आएगा, 4 2s are आएगा बेटा -8, डिवाइड बाय 4 + 3 हो गए 7, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, 3 4s are बेटा -12, 3 4s are 12, 4 2s are -8, डिवाइड बाय 4 + 3 हो गए 7 बेटा, ठीक है। ये समझ में आया, 3 4s are 12, -12, 4 2s are 8, लेकिन -8, पॉजिटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर, which implies that P of beta x comma y will be equal to P of 6 - 8, that is beta -2/7, और यहाँ पे -12 - 8, वो कितना आएगा, that is equal to -20, is that, yes that is -20/7, ठीक है। तो therefore the required coordinates of point P are, therefore the required point is, हम ऐसे लिख सकते हैं P of x comma y is equal to P of beta -2/7 - 20/7। तो ये हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने बेटा जी निकाले, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट दी गई थी, हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ठीक है, -2/7 और -20/7, ठीक है। तो ये हमने निकाला।
अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चले बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए वी आर गोइंग टू रब दिस ऑल। ओके बेटा, तो कहीं भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन आपको होगा, यू कैन हैव जस्ट अ फोन कॉल टू मी, तो बेटा मैं आपको वहां पे समझा सकता हूं ये सब चीजें। चले बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ऑफ -2, 2 ए ऑफ -2, 2 और दूसरा पॉइंट क्या है, बी ऑफ 2, 8 बी ऑफ 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बेटा जी यहां पे हमें क्या दी गई है, एक लाइन सेगमेंट दी गई है, ठीक है। हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है ए बी, मान लीजिए ये वो लाइन सेगमेंट है, दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें -2, 2 दिए गए हैं और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 8 दिए गए, ठीक है। अच्छा, अगर ये ए और बी एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी है, क्या मैं इनको सिंबलाइज नहीं कर सकता हूं ए ऑफ x1, y1 के साथ? क्या मैं इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 के साथ सिंबलाइज नहीं कर सकता हूं? यस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ड्रॉइनिंग द पॉइंट्स ए ऑफ -2, 2 एंड 2, 8 ए ऑफ -2, 2 एंड 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें बेटा 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने, या तो ऐसे मैं बता सकता हूं, हमें बेटा उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि हमारी इस गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे बराबर 4 इक्वल पार्ट्स में। अभी हमने बताया था 7 पार्ट्स किसी भी लाइन सेगमेंट करने के लिए, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लेस लेना पड़ेगा, मतलब 6 पॉइंट्स हमने उसके ऊपर लेने पड़े। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी नीड टू टेक ऑन दिस वेरी लाइन सेगमेंट? बेटा एक कम, मतलब 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट्स ले लेंगे। मान लीजिए वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं, एक पॉइंट यहां पे ले लूंगा, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे दूसरा पॉइंट और यहां पे तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस लाइन सेगमेंट के हो गए बराबर 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। पहला पार्ट यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मानूंगा बेटा पी, इसके कुछ पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस पॉइंट को मैं मानूंगा क्यू, इसके अपने खुद के कुछ पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मानूंगा आर, पॉइंट को मानूंगा आर, इसके खुद के अपने कुछ पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स को मैं बेटा x, y रखूंगा, बिकॉज सेक्शन फार्मूला में जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको किनसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y से। और एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे सिंबलाइज करते हैं वहां पे, x1, y1, x2, y2। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन, दैट्स पॉइंट पी एज x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं लिखूंगा बेटा x', y', ताकि हमारी सेक्शन फार्मूला थोड़ी सी कोइंसाइड हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं लिखूंगा बेटा x" और y", ठीक है। अब जरा बताइए हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, बिकॉज यहां पे बताया गया है उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालिए बेटा जी आप, जो पॉइंट्स बेटा इस गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। लेट पी कामा क्यू, पी ऑफ x, y, क्यू ऑफ x', y', R of x" y" be the 3 pointers which divide the given line segment into 4 equal parts, which divide the given line segment A of x1, y1 is equal to this and B of x2, y2 is equal to this into 4 equal parts. Therefore, we have to find out the coordinates of point P, Q and R. ठीक है, अच्छा जरा बताइए हमें एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए। हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स तब जाके ही निकाल सकते हैं जब हमें पता होगा ये पॉइंट पी किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है। अब देखिए बेटा इधर पॉइंट पी कुल मिला के लाइन सेगमेंट ए बी के हमने बेटा कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं, 4 पार्ट्स किए हैं। अब उन पार्ट्स में से ए से पी तक कितने पार्ट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक पार्ट। पी से पी तक कितने, 1, 2, 3। इसका मतलब पॉइंट पी बेटा इस लाइन सेगमेंट को ऐसे डिवाइड करता है कि इसका एक पार्ट ये हो रहा है
और पी भी इसके तीन पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट पी डिवाइड करेगा योर लाइन सेगमेंट को, वो जो रेशो हम ले लेंगे वो हम ले लेंगे M1:M2, वो बेटा रेशो होगा, ठीक है, वो होगा बेटा 1:3, बिकॉज पॉइंट पी ऐसा है कि ए से पी तक इस पूरी लाइन सेगमेंट का एक हिस्सा आ रहा है और पी से बी तक इसके तीन हिस्से आ रहे हैं, जिन चार हिस्सों में हमने इस ए बी को डिवाइड किया था, तो जाहिर सी बात है पी पॉइंट पी करेगा डिवाइड ए बी को इन द रेशो ऑफ 1:3। अब जरा बताइए पॉइंट क्यू, पूरी लाइन सेगमेंट ए बी के हमने कितने हिस्से किए गए हैं? सर इसके हमने बेटा चार हिस्से किए हैं, बराबर चार पार्ट्स इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। ए से क्यू तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 1 और 2, और क्यू से बी तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 1 और 2। इसका मतलब पॉइंट क्यू डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट ए बी को इन द रेशो ऑफ 2:2। लेकिन जब हम रेशो M1 M1 - M2 रखेंगे बेटा इक्वल टू 2:2, लेकिन अगर इसको डिविजन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे M1 - M1 डिवाइड बाय M2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, ये 2 1s 2 1s आएगा, इसका मतलब M1 - M1 डिवाइड बाय M2 बेटा असल में 1:1 आएगा। असल में पॉइंट क्यों बेटा मिड पॉइंट होगा, बिकॉज पॉइंट क्यों ऐसा है कि ए से पी तक इस लाइन सेगमेंट ए बी के बराबर दो पार्ट्स आ रहे हैं और क्यों से बी तक बेटा इसके दो पार्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट क्यों इक्वली इस पूरी लाइन सेगमेंट को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट किस रेशो में इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा? सर इन द रेशो ऑफ M1 - M2 जो हम बेटा मान के चलेंगे 1:1 है, एज पर द क्वेश्चन 1:1 है, यहां पे 1:3 है। अब पॉइंट आर की बारी है, अब जरा बताइए पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? सर चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए से आर तक इसके कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 1, 2 और 3, और आर से बी तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं? सर एक पार्ट आ रहा है, तो पॉइंट आर डिवाइड करेगा हमारी पूरी लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो ऑफ M1 - M2 इन द रेशो ऑफ बेटा 3:1, बिकॉज ए से आर तक तीन पार्ट्स आ रहे हैं, आर से बी तक बेटा एक पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये आर करेगा डिवाइड इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशो ऑफ 3:1। इसका मतलब अगर ए से आर तक बेटा 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो आर से बेटा बी तक 1 सेंटीमीटर होगा, कुल मिलाकर जो लेंथ बन जाएगी हमारे गिवन लाइन सेगमेंट की वो आएगी 4 सेंटीमीटर, और उस केस में ए से पी तक 1 सेंटीमीटर होगा, पी से बी तक 3 सेंटीमीटर हो गए, और ए से क्यू तक 2 सेंटीमीटर हो गए, और क्यू से आर तक बेटा 2 सेंटीमीटर हो गए, इफ द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज बेटा 4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप करना है, सेक्शन फार्मूला के थ्रू ही सभी चीजें हो जाएगी, लेकिन फ्रेम करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन यहां पे हम लिखेंगे ऐसे, लेट पी ऑफ एक्स कामा वाई कामा करके क्यू ऑफ एक्स डैश कामा वाई डैश एंड आर ऑफ एक्स डबल डैश कामा वाई डबल डैश बी द थ्री पॉइंटस which divides the given line segment joining the pointers यहां पे लिखेंगे बेटा a of x1 comma y1 is equal to a of पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2 comma बेटा 2 है एंड b of बेटा x2 comma y2 is equal to b of बेटा 2 comma 8 है 2 comma 8। लेट पी ऑफ एक्स कामा वाई क्यू ऑफ एक्स डैश कामा वाई डैश आर ऑफ एक्स डबल डैश कामा वाई डबल डैश बी द थ्री पॉइंट विच डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये माने मैंने ये तीन पॉइंट ऐसे है कि ये पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करते हैं इन द रेशो ऑफ डिवाइड करते हैं इस पूरी लाइन सेगमेंट को इंटू फोर इक्वल पार्ट्स। We need to find coordinates of P, Q and R।
हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने, उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, रेशो। हम लिखेंगे बेटा यहां पे क्लियरली, क्लियरली पॉइंट पी ऑफ, क्लियरली पॉइंट, पॉइंट इज पी ऑफ एक्स कामा वाई, कामा करके क्यू ऑफ एक्स डैश कामा वाई डैश एंड आर ऑफ एक्स डबल डैश कामा वाई डबल डैश डिवाइड इज द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ बेटा पॉइंट पी किस रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं, m1 is to m2 बेटा इक्वल टू आएगा 1:3 कामा करके m1 is to m2 पॉइंट क्यों किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, इक्वल टू 1:1 1:1 1:3 एंड m1 is to m2 इज इक्वल टू 3:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि हमने यहां पे क्या लिखा, क्लियरली पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्यू ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश आर ऑफ एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ m1:m2 1:3 जो मैंने आपको समझाया था m1 is to m2 इज इक्वल टू 1:1 एंड m1 is to m2 इज इक्वल टू 3:1 रेस्पेक्टिवली। यानी कि पॉइंट पी इस रेशियो में डिवाइड करता है गिवन लाइन सेगमेंट को, पॉइंट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश है बेटा वो डिवाइड करता है गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2 इज इक्वल टू 1:1 एंड पॉइंट आर जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश है बेटा वो डिवाइड करता है हमारी गिवन लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2 इज इक्वल टू 3:1 बेटा। ये डैश डैश और यहाँ पे भी डैश डैश, यहाँ पे डबल डैश, यहाँ पे डबल डैश, यहाँ पे कोई भी डैश नहीं, एक्स और वाई है, यहाँ पे एम1 और m2 है, इसलिए लिखा ताकि सेक्शन फार्मूला में जब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे देयर शुड बी वेरी लीस्ट मेंडिंग इन दैट। ओके नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, नाउ बाय सेक्शन फार्मूला कामा वी हैव सेक्शन फार्मूला के हिसाब से क्या आएगा बेटा, पॉइंट पी ऑफ एक्स कामा वाई पहले निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ किसके बराबर होगा सर, पी डिवाइड करता है इस गिवन लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो ऑफ m1:m2 दैट इज 1:3। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, तो एक्स किसके बराबर होगा m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2, वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2। खाली आपको प्लग करने हैं कोऑर्डिनेट्स, विच इंप्लाइज दैट, देखिए बेटा मैं इक्वल टू लिखूंगा लास्ट में।